नहीं देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारी मूंगफलियाँ दिख रही होंगी। इधर भी मूंगफली है, इधर भी मूंगफली, उधर भी। और मैं हूँ अभी बांदीकुई में। अंकल जी, ये मूंगफलियाँ रहती तो सादा ही हैं, काली कैसे पड़ जाती हैं? और इनमें मसाला में भिजोई जाती है, भिजोने के बाद इनको सुखाया जाता है। अच्छा। और सुखाने के बाद ये मशीन से सेकी जाती है, इसमें मसाले में सिकती है ये। अच्छा। तो ये ऑटोमेटिकली ही काली हो जाती है। इसमें मसाला, एक तो ये अपना सादा नमक आता है जो खाने का सोडा होता है, सादा नमक होता है, काला नमक। इसमें ये तीन चार तरह का एक मिक्सचर बनाया जाता है और मिक्सचर बनाने से इसका वो मसाला तैयार किया जाता है। अच्छा। उसके बाद इनको कट्टे में भर लिए जाते हैं। अच्छा। और भरने के बाद ये अपना काम चालू करती है। अच्छा, तो ये मशीन है बाऊजी है? हाँ, ये मशीन है, ऑटोमेटिक रोस्टर्ड है ये। अच्छा। तो ये पहले हाथ से बनती थी। अच्छा। अब मशीन की डिमांड ज्यादा होने से अब मशीनें लगाई गई हैं। ये लकड़ी का बुरादा होता है। हाँ, ये भट्टी में जलाने के लिए इसको तैयार किया जाता है, गर्म किया, हीट के लिए। काली मूंगफली पूरे भारतवर्ष में या राजस्थान में कहें कि यही मिलती है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने करी? बहुत पुराना प्रोडक्ट है ये, बांदीकुई में ही एक उसने इसको ऐसे ही थोड़ा देखा था, मतलब 2-4-5 किलो का। तो उसमें क्या हुआ कि ये ऐसा कोई नहीं बना सकता, और वो उस पर वो आ गया था फर्स्टली। बहुत पहले की बातें हैं, करीब कोई 50-60 साल पहले वो एक महाजन होता था, फिर हमसे ही वो सिखवाता था। सेकने का चना है, काली मूंगफली है, रोस्टेड जितने भी आइटम है, सेकने का हमारा खुद का प्रोडक्ट है। बाऊजी, कितना टाइम लग जाता है ये? इसमें 5 मिनट या 7 मिनट में ये तैयार हो जाती है। अच्छा। और उसके बाद इसको कट्टे में लेके नहीं और उसको डिवाइडेशन कर देते हैं। तो कैसे, क्या भाव मिलती है अभी ये इसका भाव 150 से लेके 200 रुपए किलो तक की होती है। तो आपने ये भिगो के सुखा रखी है? हाँ। भाई देखो, ये मूंगफली अब धीरे धीरे काली पड़ जाएंगी, ये ऑटोमेटिक ही काली पड़ जाएंगी ये। और यहाँ पे ये जो आंटी है वो इस अंगीठी के अंदर बार बार ये जो बुरादा है डाल रही है ताकि चलती रहे। दुकान ही है सर वो, ओके। और वहाँ सब काम वही होता है, प्रोडक्शन इसका पूरा। इसके उत्तरांचल से आया, उत्तरांचल से जयपुर उतरा, क्यों यहाँ स्टॉपेज नहीं है बांदी कोई। जैसे ये लिया माल, उसमें डाल दो और बटन दबा दो, आपका काम फ्री है, ऑटोमेटिक मशीन। दिन भर में ऐसे कितनी मूंगफली निकल जाती है? 15-20 कट्टे तैयार कर देता हूँ, एक कट्टे में 50 किलो आती है। 15 कट्टा खाली हो चुकी है, फेंक देता था बीमारी। ये है वो दुकान KKN JJ स्टोर जहाँ मिलती है आपको बढ़िया क्वालिटी की काली मूंगफली। ये हाई स्कूल रोड है बांदीकुई के अंदर, तो चलिए यहाँ से लेते हैं। ये सबसे हल्की क्वालिटी है, इसमें और इसमें फर्क देखो आप। अच्छा, ओके। अच्छा, दाने का फर्क है, सिर्फ दाने का फर्क है। ओके, तो ये मटर भी अपन ही बनाते हैं? चना भी अपना है, मटर भी अपना है, मूंगफली भी अपनी है। अच्छा अच्छा, तो ये मूंगफली यहीं उगती है, बाहर से आती है? बाहर से आती है, लाल सोट से आती है। लाल सोट से आती है। भाई सीरियसली गजब क्वालिटी थी यार, मतलब कुरकुरी, मतलब अलग ही नमकीन टाइप की मूंगफली थी, नमकीन स्वादा। तो ब्लॉग को ये एंड करता हूँ। राम राम से सभी को, खंभा गणी से राजस्थान, मेरा देश, मेरा भारत।